बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एनडीए में जल्द ही शामिल हो सकती है सुभाषपा और प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं राजभर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात में इस बात को लेकर चर्चा हुई है और ब्रजेश पाठक ने भी कल अमित शाह से मुलाकात की थी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान राजभर पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अमित शाह से मुलाकात के दौरान राजभर से चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो सुभाषपा भाजपा के साथ जल्द ही गठबंधन होगा और एनडीए में जल्द ही शामिल हो सकती है सुभाषपा। प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं राजभर। ये बड़ी खबर देखिए सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और अमित शाह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई जिसमें इस बात का भी जिक्र हुआ है और ओपी राजभर को लेकर भी चर्चा हुई है। और सीमा नकवी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सीमा, क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या गठबंधन जो है दोनों ही पार्टियों के बीच जल्दी होने वाला है? जी बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है वो इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बेहतर काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो रुख था वो नरम नजर आ रहा था। अभी जो चुनाव हुए थे उसको, उसमें भी चाहे वो MLC के चुनाव रहे हों या अन्य चुनाव रहे हों, उनको लेकर भी ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए और उनके जो मित्र हैं दोनों, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों या फिर दयाशंकर सिंह, उनसे वो लगातार वो मिलते जुलते रहते हैं। तो यही वजह है कि अब इस बात की जो है वो चर्चा तेज हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जा सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लगातार ओम प्रकाश राजभर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सीमा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम